नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब टुडे में। दोस्तों आज की नई वीडियो है CPCL की तरफ से, ये रिक्रूटमेंट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें यह है, इसमें ना ही आपकी जो एग्ज़ाम होगी और ना ही इंटरव्यू, ना ही आपकी जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। जो भी कैंडिडेट 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा मौका है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। बस आप लोगों को करना है इस वीडियो को जो है लाइक कर देना और अंत तक जो है वीडियो के साथ बने रहना है। सभी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल जॉब है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों लेके चलते हैं आपको आगे और सभी जानकारी देते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है CPCL की जो है फुल फॉर्म होती है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और ये जो है अप्रेंटिस एंड वेरियस पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आई है, अप्रेंटिस के भी है और भी जो है अलग अलग पोस्ट पे ये नई वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का वह 18 अक्टूबर से ये जो है वह ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वह 1 नवंबर 2020 तक इसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक दोस्तों? 1 नवंबर 2020 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सारी जानकारी मैं दूँ, इसमें आपकी जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, उसके बारे में जो है मैं आगे चल के बताऊँगा। एप्लीकेशन फ़ी जैसा बोला सभी कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे जो बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 142 है, 142। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जो है वह 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास अगर जो अप्रेंटिस के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ITI जो है रिलेटेड ट्रेड से होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप जो है, अगर आपके पास ITI की डिग्री नहीं है, अगर आप 12th कर रखे हैं या ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको जो है ITI की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आप जो है बिल्कुल ही जो है बिना किसी टेक्निकल सर्टिफिकेट का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन, इससे ऊपर जितने भी पोस्ट हैं ये सभी अप्रेंटिस में आते हैं, जैसे फीटर वेल्डर इलेक्ट्रॉनिकल MMB मैकेनिस्ट टर्नर और मैकेनिक जो AC एंड रिफिल का है, इंस्ट्रूमेंट जो मैकेनिकल का है, ड्रैक्समैन जो सी और ड्रैक्समैन M के लिए, कोपा के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। इनमें जो है अलग अलग जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है, जिनमें अगर आप 10th पास हैं और प्लस जो है रिलेटेड ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पोस्ट इसमें मैं बताऊँगा आप सभी को इस वैकेंसी में, इस रिक्रूटमेंट में, उनके लिए यहाँ पे 18 से लेकर जो है वह 24 वर्ष तक एज है। अगर आप SC ST के लिए तो उसमें जो है वह जो आपकी रिलैक्सेशन मिलती है एज में वो मिल जाएगी, OBC के लिए 5 साल, SC ST के लिए 3 साल की। एज की जो है आपकी कैलकुलेशन की जाएगी वो की जाएगी 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों फूड प्रोडक्शन से जो है आपको नीचे जितने भी पोस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है फूड प्रोडक्शन से नीचे जितने भी पोस्ट देखने को मिलेंगे उसमें जो 12th पास या ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेबोरेटरी ऑपरेशन के लिए हैं, अगर आपने BSc जो है डिग्री प्राप्त कर ली की रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी या जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड से तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया देख सकते हैं जो अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है, ठीक है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जो BCom कर रखे हैं, ठीक है, कॉमर्स से BCom तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कि जो बैक ऑफिसर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी जो है यहाँ पे वह स्ट्रीम में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव मार्केटिंग के लिए यहाँ पे MBA मांगी गई है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग से। उसके बाद एग्जीक्यूटिव HR के लिए भी यहाँ पे है, जिसे MBA अगर आपने HR से किया है, ठीक है, या MSW से किया है या पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव CS के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 3 साल की जो है MCA अगर आपने कोर्स करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे F&A के लिए जो है वह CA, ICWA या MFC या MBA आपने किया है फाइनेंस अकाउंटेंट से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस मैनेजमेंट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 12th पास वाले के लिए, जो कि कैंडिडेट ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 12th पास जो है यहाँ पे वह कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है उनको जो है एक प्रोसेस जो है यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे ऑफिस जो असिस्टेंट है उसकी देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो वेरियर्स एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे है पोस्ट वह 12th पास हैं, इनमें भी जो है वो स्किल सर्टिफिकेट आपको जो है वह देना होगा,
नेक्स्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टोर कीपर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ जो भी कैंडिडेट 12th पास है इंटरमीडिएट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमसे बात करनी हो तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे आके हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।